नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आल ई मित्र सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान योजना के बारे में। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक साल में किसान को 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे लोगों के पैसे नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी किसान ऐसे भी हैं जिनके एक भी किस्त नहीं आई है। दोस्तों इसी समस्याओं को देखते हुए आप लोगों के लिए समाधान लेकर आया हूँ। अगर आपके पैसे नहीं आ रहे हैं, आपकी एक भी किस्त नहीं आई है, तो आपको करना क्या है। दोस्तों आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पीएम किसान योजना, अगर आप किसान हैं और नहीं आ रहे खाते में पैसे तो इस नंबर पर करें फ़ोन। अगर दोस्तों आप किसान हैं और आपकी एक भी किस्त नहीं आई है या आपके किस्त नहीं आ रही है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए पिछले साल 2019 में किसान निधि योजना प्रारंभ की थी। इसका लक्ष्य देश के किसानों को खेती से जुड़ी समस्याओं के लिए उन्हें कुछ नकदी देना था। फिलहाल इस योजना के जरिए देश के किसानों के खाते में करोड़ों रुपए भेजे जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप एक किसान हैं, आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो आइए हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि आपको किस प्रकार से क्या करना है। बता दें कि सरकार ने इसके लिए एक टोल फ्री नंबर दिया है, मगर उससे पहले हम आपको बता दें कि इस योजना के तहत सरकार देश के किसानों को कैसे लाभ देने जा रही है, क्या है पूरी योजना। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार कुल सालाना 6000 रुपये की धनराशि लाभार्थी किसान को देती है। प्रत्येक लाभार्थी को सरकार 2000 रुपये की 3 किस्तें 4 महीने के अंतराल पर देती है। यह पैसा सरकार किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से भेजती है। लाभ लेने के लिए किसान को किसान योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अगर आवेदन करवाने के बाद भी लाभ न मिले तो आपको पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर पर बात करनी होती है। कि देश के ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, मगर किसी कारणवश आवेदन करने के बाद भी उनका पैसा उनके खाते में नहीं आता है। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने यह नंबर जारी किया है। इसके लिए आप अपनी दिक्कतों से सरकार को रूबरू करा सकते हैं। सरकार ने इसके लिए अलग से पीएम किसान हेल्प डेस्क, पीएम किसान हेल्पलाइन बनाई है। उसके अंतर्गत एक ईमेल आईडी भी बनाई है जिस पर मदद के लिए संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके पैसे नहीं आ रहे हैं तो आपको करना क्या है। दोस्तों आपको मैं यहाँ पर 3 हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ, तो आप किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर है वो है 1552561, दूसरा है 01206025109, तीसरा है 1811 5526। दोस्तों ये टोल फ्री नंबर है। अगर दोस्तों आपके पैसे नहीं आ रहे हैं और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आपकी एक किस्त नहीं आई है, दोस्तों आपको यहाँ पर कॉल करना है और आपको अपना आधार या मोबाइल या अकाउंट नंबर की सहायता से आपको जानकारी उपलब्ध करवानी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता देंगे कि आपके आवेदन में क्या दिक्कत है, तो उसके बाद में आपके जो पैसे होंगे वो अटके रहे होंगे तो वो पैसे आपके आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से आप अपने खाते के पैसे मंगवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर पर बात करके अपने पैसे मंगा सकते हैं, अपने रुके हुए किस्तों को अपने खाते में डलवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।